त्योहारों का समय चल रहा है और मिठाई ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज की जो मिठाई है बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी है। मार्केट के मिठाई को भी फेल करने वाली आज मैंने बनाई है ये फ्लेवरफुल ये मलाई रोल, जिसे कि देखते ही आप बाज़ार की मिठाई को भी बिल्कुल भूल जाएंगे। एकदम सस्ते में ढेर सारा। इस मिठाई को खाकर मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टेस्टी मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड के कुछ स्लाइसेस, जो कि मैंने ले लिया यहाँ 6 से 8, और इसके कॉर्नर को हम कट करेंगे। इस ब्रेड के कॉर्नर को हम फेंकेंगे नहीं, इसे ब्रेड क्रम्स बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। एक ब्रेड को लेकर इस तरह से हल्का सा प्रेशर देते हुए बेल लेंगे, और इसी तरह से मैंने सभी को बेल लिया है। एक कपड़े से हम इसको ढककर रख देंगे, जिससे इसमें नमी बनी रहे। ले लिया है बिल्कुल फ्रेश 1 कप घर की मलाई। मिठाई के लिए हमें चाहिए ये 2 पेठा, जिसे कि मैंने ग्रेट कर लिया है, और थोड़ी सी टूटी फूटी 2 चम्मच, और एसेंस के लिए वैनिला और स्ट्रॉबेरी ले लिया है। आप इसके जगह इलायची पाउडर को कूट कर भी डाल सकते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मिठास के लिए हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, 4 चम्मच दूध, ले लिया है कोकोनट पाउडर, साथ ही ले लेंगे ये क्रस्ट पिस्ता, काजू और बड़े वाले बादाम को। 1 कप क्रीम में से मैं 2 चम्मच भर के क्रीम को अलग रख दूंगी। बाकी की क्रीम में 1 चम्मच क्रस्ट आलमंड, 1 चम्मच काजू, 1 चम्मच पिस्ता। ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच कंडेंस मिल्क। इसकी जगह आप 2 से 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर भी मिला सकते हैं। मिठास आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब 2 चम्मच मलाई को जो अलग किया था उसमें ऐड करूँगी ग्रेट किया हुआ पेठा, और 2 चम्मच ये टूटी फूटी, और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस वाले मलाई में शुगर कंडेंस मिल्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेठा में मिठास और टूटी फूटी में फ्लेवर होता ही है। अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ ड्राई फ्रूट वाले मलाई में स्ट्रॉबेरी एसेंस मिला रही हूँ 10 बूंद, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी, और इसकी जगह आप इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं, या सिर्फ मलाई से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ मलाई से बना हुआ ही पसंद करते हैं, तो आप बिना ड्राई फ्रूट के बिना एसेंस के भी बना सकते हैं। एक प्लेट में कोकोनट पाउडर को स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह। अब ब्रेड के एक पीस को लेकर प्लेट पर रखकर ब्रश की हेल्प से किनारों पे दूध लगा लेंगे। ये ब्रेड जब हम फोल्ड करेंगे तो आपस में चिपक जाएगा। अब एक तरफ 2 टेबलस्पून मलाई को रख देंगे और धीरे से फोल्ड करेंगे। कुछ इस तरह का दिखेगा ये। अगर साइड में आपको लॉक नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा दूध और लगाएंगे। ये तो हुआ एक तरीका, और दूसरा तरीका भी मैं बता रही हूँ। ये इस तरह से आप देख सकते हैं लॉक हो गया है। इसको एक तरफ रखेंगे। दूसरे ब्रेड पे हम इसको इस तरह से नहीं रखेंगे। ये भर के मैंने ले लिया है 2 चम्मच, और इसको स्प्रेड कर देंगे, तो इसमें दूध लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से चिपक जाएंगे। ये दूसरा तरीका है।
यहाँ मैं दोनों तरह से बता रही हूँ, आपको जो भी सही लगे आप वही बनाएं। मुझे तो ये तरीका ज़्यादा सही लगता है, इससे फटाफट से हो जाते हैं। एक एक स्टेप मैं डिटेल्स में बता रही हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो एक भी स्टेप मिस करने पे ये मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरह से मैंने बना लिया है ब्रेड के 4 स्लाइस को, और बाकी को मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। बचे हुए मलाई को दो कटोरी में हाफ हाफ कर लेंगे, और एक में ग्रीन और एक में ऑरेंज फूड कलर, हल्का सा एक पिंच मिलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो अंदर से फ्लेवर तो है ही और कलर रहेगा तो खाने में और भी अच्छा लगेगा, देखने में अच्छी लगेगी। तो ये ऑप्शनल है लेकिन डालने से बहुत अच्छा लगता है। फूड कलर को डाल दिया है और अच्छी तरह से मिला लेंगे दोनों। देखिए इस तरह का कलर हो गया है, लाइट ऑरेंज। और ब्रेड में फिर उसी तरह से भरकर 2 चम्मच हम ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे और इसे केयरफुली फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत इजी है। जब भी आपका दिल करे आप बनाइए खाइए, मतलब इतना इजी है कि आपके बच्चे भी बना लेंगे और खाने में इतना स्वादिष्ट कि पूछो ही मत। आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। एक दूसरी प्लेट में मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ और सभी मिठाई को मैंने बना लिया है। ऊपर से कोकोनट पाउडर थोड़ा छिड़केंगे और कंडेंस मिल्क डालकर ऊपर से इसको ऐसे लगा देंगे। अब इतनी सुंदर मिठाई को डेकोरेट करना तो बनता है, तो पिस्ता से मैं इसे सजाने वाली हूँ। एक लेयर पिस्ता का मैं डाल रही हूँ, और सस्ते में इतना अच्छा और इतनी जल्दी बनने वाला ये मिठाई आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप जब खाएंगे तभी आपको पता चलेगा, तो ज़रूर बनाएं। तो लीजिए आज की फ्लेवर्ड ब्रेड मलाई रोल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और मैं यहाँ इसे काट कर दिखा रही हूँ। इतना सॉफ्ट है और इतना टेस्टी। इस मिठाई को बनाकर आपको बहुत खुशी होने वाली है और सभी आपकी तारीफ करेंगे। जब भी कोई खाएगा कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपने घर पे बनाया है। आज की मिठाई अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही ऑल का बटन क्लिक करके मेरी बनाई रेसिपी को देख सकते हैं। मेरे चैनल को देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं आगे और भी अच्छी अच्छी डिशेस लेकर आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।